बैकुंठपुर विधानसभा का आज दौरा है और उसके बाद कल गौरेला पिंड मरवाही, फिर अमरकंटक भी जाऊंगा दर्शन करने, वहाँ पहुँच नज़दीक पहुँच गया वहाँ भी जाना। अभी तक के मतलब सरगुजा संभाग के भी ये आखिरी विधानसभा, बस्तर संभाग भी पूरा हो गया, उसके बाद अब मैदानी क्षेत्र में रायगढ़ वगैरह सब शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा मांगें क्या आई हैं भैया आपके पास? देखो बस्तर में गए तो सबसे ज़्यादा मांग बैंक की आई, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की आई, सड़क पुल पुलिया की भी मांग रही है, और सरगुजा में भी कमोबेश वही स्थिति कि जो पुल पुलिया नहीं बन पाए हैं उसके सड़क की, और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बैंक इसकी भी मांग ज़्यादा रही है। ट्राइबल कमिश्नरी है, लेकिन दोनों जगह के भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन दोनों जगह आर्थिक रूप से पहले से बेहतर स्थिति पिछले सरकार की अपेक्षा, किसानों के आय में वृद्धि हुई है, मजदूरों के, महिलाओं के, सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी मिलती है जो महिलाएं स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही है तो उसके उसके चेहरे में जो आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है वो सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए जो उदयपुर की घटना है उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है भारतीय जनता पार्टी बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनका उनके क्या संबंध है, तो लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं हैं, क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के, ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ, तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, एक इनके किनके साथ संबंध है, ये एक जाँच का विषय है। मैं तो रेल मंत्री से भी बात किया, यहाँ ट्रेन शुरू करो, और जब सांसद चुने गए हैं और केंद्र का मामला है तो इन लोगों को बात करनी चाहिए, प्रदेश की जनता के हित में उन लोगों को रखना चाहिए। आज ट्रेन है वो गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है, जो काम 15 रुपये में होता है वो 1500 रुपये लगता है, यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो गरीब लोगों के मध्यम श्रेणी के लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है और महंगा हो रहा है। देखिए स्कूल को लेकर पहली बात तो ये है कि प्राइवेट में पढ़ते थे तो उसमें पैसा लगता था, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया साल का खर्च आता था, अभी निःशुल्क पढ़ाई हो रही है। दूसरी बात है कि सारी टीचर की भर्ती हुई है। तीसरी बात ये है कि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं उससे। ट्रेन भी बंद कर दी है भारत सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ कितनी ट्रेनें बंद हो गई, उसके बाद भी कोयला पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति असफल रही है, और कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है, 17-18 हज़ार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे तो बिजली फिर महंगा होगा, प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी, पूरे देश में लागू होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पिछली सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको बंद किया था, राजस्थान गवर्नमेंट और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया, तो पेंशन क्या, नौकरी खतरे में अग्निवीर, उसके बाद शिक्षक वीर, चिकित्सक वीर, अब उसकी पार्टी है, वो लोग जो काम लें मुझे क्या करना भाई।